रबीउल अव्वल के महीने में जो मिलाद मनाया जाता है, इस हवाले से कुछ बातें आप गौर से सुनिए। क्या मिलाद मनाना, क्या ये अमल कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं? बरेलवी हजरत बहुत सारी दलीलें देते हैं कि कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, और अकली दलील भी देते हैं। सही बात यह है कि सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक कहीं पर भी मिलाद मनाने का कोई जिक्र नहीं है। ये बरेलवी हजरत धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं कुरान के नाम पर, झूठ बोलते हैं हदीस के नाम पर। इनको कयामत के दिन दोनों का हिसाब देना होगा कि कुरान के नाम पर झूठ बोलकर अल्लाह की तरफ झूठी बात की निस्बत इन्होंने की, हदीस के नाम पर झूठ बोलकर आप अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ बात की इन्होंने निस्बत की है, और अकली दलील देकर सहाबा किराम की तरफ इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया। सही बात यह है, ना कुरान के अंदर है, ना हदीस में है, ना सहाबा किराम में, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, जब बरेलवी हजरात थक जाते हैं, दलील नहीं दे पाते, वो साबित नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं सुन्नियों की किस्मतों में लिखा है मिलाद मनाना। अरे बेवकूफों, जाहिलों, बेशर्मों, तुमने दीन इस्लाम को अपनी किस्मत पे टटोल दिया कि अब सिर्फ किस्मत ही हुज्जत है। नहीं, बल्कि दीन इस्लाम के जितने भी रुकन हैं, अगर वो काम करने लायक है तो उसके ऊपर शरई दलाइल का होना ज़रूरी है। ये जिस तरह से मुरवजा जो तरीका है ना, जश्न मनाना, मिलाद के नाम पर रैली निकालना, जुलूस निकालना, इसी तरह चिरागा करना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, कब्रों पे जाना, न्याज करना, फातिहा करना, सबीले लगाना, डेक चढ़ाना, इसी तरह मजलिसें लगाना, ढोल ताशा बाजा, ये तमाम खुराफात में दाखिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब देख लीजिए किस तरह से ये लोग जुलूस निकालते हैं मिलाद के नाम पर, किस तरह से ये लोग केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं आप अलैहिस्सलाम का, नाउज़ बिल्ला, आप अलैहिस्सलाम का जन्मदिन ये लोग मनाते हैं। ये बेहुदा किस्म के लोग जिनकी ज़िंदगी में नाकाम है, नकाज है, इतने फुर्सत के अय्याम इनके पास है कि ये फजूल काम करते बैठते हैं, वो भी दीन इस्लाम के नाम पर। इतना बड़ा चैलेंज इन्होंने किया है, ये हिसाब कैसे देंगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर ये लोग केक काटते हैं, अल्लाह के नबी के नाम पर ये लोग ढोल ताशे बजाते हैं, और डीजे लगाकर झूमना ये लोग बाई से सवाब समझते हैं। कितना बड़ा गुनाह का काम ये लोग कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अम्मा बाद, माहे रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है, और इस महीने में अहले बिदत हजरात जिस तरह से खुराफात करते हैं, रस्म और रिवाज अदा करते हैं दीन इस्लाम के नाम पर, अहले बिदत हजरात तरह तरह के खुराफात और ऐसे ऐसे काम अंजाम देते हैं दीन इस्लाम के नाम पर कि अगर आप अलैहिस्सलाम उस काम को देख लें, या सहाबा किराम अगर उस काम को देख लें, उनकी हरकतें देख लें, तो शायद वो उनसे बात करना भी पसंद ना करें या उनसे मुंह फेर लेंगे। ये आप जानते ही हैं कि माह रबीउल अव्वल में ताजदार मदीना, फ़खरे दो आलम, सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। इसी महीने में आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उनकी बैसत हुई है इसी महीने में। क्या 12 रबीउल अव्वल के ही दिन उनकी विलादत हुई है या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि तारीख के अंदर आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश में इख्तिलाफात पाए गए हैं। मुअर्रिखीन के यहाँ इस बात पर इख्तिलाफ है कि आप अलैहिस्सलाम किस तारीख में पैदा हुए। रिवायतों के अंदर अलग अलग तारीख मौजूद है, कहीं पे 2 रबीउल अव्वल का जिक्र है, कहीं पे 8 का जिक्र है, कहीं पे 10 का है, कहीं पे 12 का है, लेकिन मशहूर कौल 12वीं तारीख का है। लेकिन कोई तारीख 100% दुरुस्त नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि 12 ही है, बल्कि 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसी तरह अहमद रज़ा खान बरेलवी ने भी 8 का जिक्र किया है, 8 तारीख, 8 रबीउल अव्वल का जिक्र किया है। अच्छा, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस महीने में आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, उसी महीने में आपका विसाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ। इस बात पर तमाम मुअर्रिखीन का इजमा है, ये मुत्तफ़िका फैसला है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन आप अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन तारीख, पैदाइश की तारीख में इख्तिलाफ है। तो खैर, ये पूरा सिस्टम अल्लाह ने क्यों रखा, मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। ये इस वजह से है कि कहीं उम्मत पैदाइश की खुशी में इतना ज़्यादा खुश ना हो कि वो जश्न मनाने पे उतर जाए, वो खुराफात करने लगे, वो रस्म और रिवाज अदा करने लगे, वो दीन इस्लाम के नाम पर बिदआत अंजाम देने लगे, इतनी ज़्यादा उनके अंदर खुशी भी नहीं हो कि वो दीन इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा दें, दीन इस्लाम की जितनी हदें हैं सबको पार कर दें, शरई हदूद को वो क्रॉस कर जाए, जैसा कि आज बिदत हजरात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि विसाल का भी वक्त अल्लाह ताला ने इसी महीने में रखा, उसी तारीख को रख दिया, तो इससे पता ये चला कि गम इतना भी नहीं मनाना है कि हम मातम करने लग जाएं, सीना पिटने लग जाएं, वावेला मचाने लग जाएं, रोना धोना करने लगें, इतना भी गम नहीं करना है।
ना बहुत ज्यादा खुशी मनानी है ना बहुत ज्यादा गम करना। तो दोनों चीजें विलादत और वफात दोनों एक ही महीने में रखने के पीछे हिकमत यही है कि दरमियानी उम्मत बन कर रहा जाए और राह एतदाल इख्तियार किया जाए। कुरान करीम में कहा गया वकदालिक जालनाकुम उम्मतन वसता कि हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाकर भेजा है। तो राह एतदाल इख्तियार करना असल उम्मत की पहचान है और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक उलमाए देवबंद हर जमाने में राह एतदाल इख्तियार करते हुए चले आ रहे हैं। जब भी हम बहुत ज्यादा जश्न भी नहीं मनाते हैं खुशी के मौके पर और बहुत ज्यादा गम भी नहीं मनाते हैं एतदाल के साथ। अच्छा, रबीउल अव्वल के महीने में जो मिलाद मनाया जाता है इस हवाले से कुछ बातें आप गौर से सुनिए। क्या मिलाद मनाना क्या ये अमल कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं? बरेलवी हजरत बहुत सारी दलीलें देते हैं कि कुरान से साबित है, हदीस से साबित है और अकली दलील भी देते हैं। सही बात यह है कि सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक कहीं पर भी मिलाद मनाने का कोई जिक्र नहीं है। ये बरेलवी हजरत धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं कुरान के नाम पर, झूठ बोलते हैं हदीस के नाम पर। इनको कयामत के दिन दोनों का हिसाब देना होगा कि कुरान के नाम पर झूठ बोलकर अल्लाह की तरफ झूठी बात की निस्बत इन्होंने की, हदीस के नाम पर झूठ बोलकर आप अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ बात की इन्होंने निस्बत की है, और अकली दलील देकर सहाबा किराम की तरफ इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया। सही बात यह है ना कुरान के अंदर है ना हदीस में है ना सहाबा किराम में, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, जब बरेलवी हजरात थक जाते हैं, दलील नहीं दे पाते, वो साबित नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं सुन्नियों की किस्मतों में लिखा है मिलाद मनाना। अरे बेवकूफों, जाहिलों, बेशर्मों, तुमने दीन इस्लाम को अपनी किस्मत पे टटोल दिया कि अब सिर्फ किस्मत ही हुज्जत है। नहीं, बल्कि दीन इस्लाम के जितने भी रुकन है अगर वो काम करने लायक है तो उसके ऊपर शरई दलाइल का होना जरूरी है। हज अगर फर्ज है तो आपके पास उसकी दलील होनी चाहिए। अगर कोई साहिब निसाब है तो वो साहिब निसाब बना कैसे, उसके ऊपर शरई दलील चाहिए। किसी के ऊपर नमाज फर्ज हो रही है तो उसके ऊपर शरई दलील चाहिए। तो हर चीज़ के ऊपर एक दलील कुरान करीम से, हदीस मुबारक से ज़रूरी है। आप यूं ही लफाजी करके उसको दलील नहीं बना सकते। तो जब नमाज पढ़ने के लिए कुरान और सुन्नत से दलील चाहिए, हज करने के लिए, रोज़ा रखने के लिए, इसी तरह ज़कात अदा करने के लिए, सब चीज़ों के लिए कुरान और सुन्नत से दलील चाहिए, लेकिन आप दलील नहीं दे पाते हैं तो कहते हैं सुन्नियों की किस्मत में लिखा है, सुन्नियों की किस्मत में तो मार लिखा है, खुदा का अजाब लिखा है, खुदा का फटकार लिखा है, कब्र का अजाब लिखा है और जहन्नम का ईंधन बनना लिखा है बरेलवी हजरात की किस्मत में। अच्छा, कुरान करीम से ये टूटी फूटी दलील क्या देते हैं? एक आयत इन्होंने रट लिया है जो बिल्कुल इनकी बातों के खिलाफ है, जो मफहूम के बिल्कुल खिलाफ है। वो कौन सी आयत है? 11वां पारा की आयत इन्होंने रट ली है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहु। कहना भी आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह की रहमत से और उसके फजल से खुश हुआ करो, यानी अल्लाह की जो रहमत आ गई उसका जो फजल हमारे ऊपर है उससे खुश होना चाहिए। तो ये क्या दलील निकालते हैं कि देखो यहाँ पे खुश होने का जिक्र है लिहाजा खुशी मनाना है हमें। नहीं, मनाना नहीं है। ये जिस तरह से मुरवजा जो तरीका है ना, जश्न मनाना, मिलाद के नाम पर रैली निकालना, जुलूस निकालना, इसी तरह चिरागा करना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, कब्रों पर जाना, न्याज करना, फातिहा करना, सबीले लगाना, डेक चढ़ाना, इसी तरह मजलिसे लगाना, ढोल ताशा बाजा, ये तमाम खुराफात में दाखिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब देख लीजिए किस तरह से ये लोग जुलूस निकालते हैं मिलाद के नाम पर, किस तरह से ये लोग केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं आप अलैहिस्सलाम का, नाउज़ बिल्ला आप अलैहिस्सलाम का जन्मदिन ये लोग मनाते हैं। ये बेहुदा किस्म के लोग जिनकी जिंदगी में ना काम है ना काज है, इतने फुर्सत के अयाम इनके पास है कि ये फजूल काम करते बैठते हैं, वो भी दीन इस्लाम के नाम पर। इतना बड़ा चैलेंज इन्होंने किया है, ये हिसाब कैसे देंगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर ये लोग केक काटते हैं, अल्लाह के नबी के नाम पर ये लोग ढोल ताशे बजाते हैं और डीजे लगाकर झूमना ये लोग बाई से सवाब समझते हैं। कितना बड़ा गुनाह का काम ये लोग कर रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब है इनके ऊपर कि इनकी अकल में ही अल्लाह ने एक फटकार डाल दिया है कि कयामत तक के लिए इनकी अकलें कैद हो गई हैं, महफूज, इनको सीधा रास्ता कभी दिख नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपना माथा अल्लाह के सामने झुकाने से रोक लिया है। इन्होंने अपना माता बाबाओं के सामने झुकाया, कब्रों के सामने झुकाया, तो फिर असरात भी वैसे ही दिखाई देंगे। तो जितनी भी दलीलें हैं ना मिलाद के नाम पे, तमाम के तमाम दलीलें बातिल है और तमाम काम नाजायज है और हराम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मिलाद मनाना अगर आशिक रसूल होने की एक पहचान है तो मेरा सवाल है इन ग्रीन चैनल वालों से, अच्छा आशिक रसूल आप बहुत ज्यादा है या सहाबा किराम भी थे? आपका जवाब होगा नहीं, हमसे ज्यादा तो वो थे। तो मेरा सवाल ये है
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جنم دن منانے کا حکم کیوں نہیں دیا یا منایا کیوں نہیں، یا ان کے زمانے میں یعنی ان کی موجودگی میں ان کے اہل بیت نے، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم نے، انہوں نے کبھی میلاد کیوں نہیں منایا؟ اچھا، ان کی ازواج مطہرات جو اتنی ساری تھی، انہوں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا؟ میلاد منانا کبھی ان سے ثابت نہیں، جنم دن منانا کبھی ان سے ثابت نہیں. 12 ربیع الاول یا ماہ ربیع الاول ان کی حیات میں، ان کے زمانے میں کتنی دفعہ آ کے گزر چکا ہوگا، لیکن انہوں نے آج تک نہیں منایا. جو طریقہ آپ کا ہے، ایسا کام انہوں نے کبھی نہیں کیا. اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی دفعہ یہ وقت آیا، ماہ ربیع الاول کا موقع آیا، 12 ربیع الاول کا موقع آیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ جو بیسک مسائل ہے اس کے اوپر عمل کیا، جو بیسک کام کاج ہے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، بس یہی، کوئی خاص اہتمام نہیں کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کئی دفعہ آیا، لیکن انہوں نے کچھ اہتمام نہیں کیا. حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور اسی طرح ان کے بعد جتنے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امام بخاری سے لے کے امام ابن ماجہ تک، امام ابن حاکم، امام بیہقی، کسی نے بھی نہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، نہ اس چیز کو منانے والی کوئی روایت انہوں نے پیش کی ہے. یہ زبردستی آپ گھیس پیٹ کر آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میلاد کو، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اس کی حقیقت ہوتی تو آج سب سے پہلے ہم لوگ منا رہے ہوتے ہیں. دین اسلام کے اندر دو ہی عید ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ، اور اگر کوئی تیسری عید ہے تو اس کو جمعہ کے دن کو عید سے تعبیر کیا گیا، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو عید دو ہی ہے جس کو منانے کا حکم دیا گیا. عید الفطر کے موقع پر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اس دن کو منایا جاتا ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا اللہ نے پورا ایک سسٹم رکھا ہے، باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ شریع اعتبار سے، یہ شریعت میں ان دونوں عید کی گنجائش ہے، لیکن تیسری کوئی عید جو منانے کے حساب سے ہو وہ دین اسلام میں نہیں ہے. عید میلاد النبی، کتنا بڑا نام انہوں نے رکھا ہے، عید میلاد النبی، یہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ پھر دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں جب یہ تھک جاتے ہیں دلیل دے کر؟ تو دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں بتایا؟ وہ ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ایک باندی کو آزاد کیا تھا، تو قبر میں اس کے ساتھ سلوک یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑی بہت راحت دی جاتی ہے، چھوٹ دی جاتی ہے اس بنیاد پر، اور یہ خواب میں اس نے کسی کو بتایا ہے. تو یہ ایک روایت کہیں سے وہ لے کر آتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بھائی ابو لہب کوئی حجت تو نہیں ہے ہمارے لیے، قرآن اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، تو اس کا عمل آج مشرکین زمانہ اہل بدعت حضرات اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں. یعنی ابو لہب نے ایسا کام کیا، اس کو راحت مل گئی، تو ہم بھی اگر میلاد منائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں کتنی راحتیں مل جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. تو باندی آزاد کرنا اس کو منانا نہیں کہتے، میلاد اس کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ میلاد اس نے منایا تھا. اور آخر میں یہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ بھائی میلاد میں ہوتا ہی کیا ہے، ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کے احوال بیان کرتے ہیں، اور آپ کے ازواج مطہرات کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان پر نعت پڑھتے ہیں، ان کو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میلاد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی بیان کرتے ہیں. تو بریلوی حضرات آپ کان کھول کر سن لو، اگر اسی کا نام میلاد ہے جو آپ کہہ رہے ہو، ذکر کرنا اور ذکر مصطفیٰ بیان کرنا، سیرت بیان کرنا، اگر اس کا نام میلاد ہے تو یاد رکھو پورے سال ہم علماء حق کے یہاں اس چیز کو انجام دیا جاتا ہے. تبلیغی حضرات بھی اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، اسے بڑا زور و شور سے اس کی پابندی کرتے ہیں، اور اسی طرح مدارس کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد کے اندر بھی اہتمام کیا جاتا ہے، مکاتب میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا تو تم سے زیادہ عاشق رسول تو ہم نکلے. جو لاجک تم بیان کر رہے ہو میلاد کی، اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ تو ہم لوگ اس چیز کو انجام دے رہے ہیں. ذکر مصطفیٰ تم سے زیادہ ہم بیان کرتے ہیں، سیرت پہ بات تم سے زیادہ ہم کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے عنوان پر ہم بیان کرتے ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال تم سے زیادہ ہم بیان کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم تم سے زیادہ عشق میں آگے نکلے ہوئے ہیں. تم کیا عشق کرو گے؟ جسے قبر میں سجدہ کرنے سے فرصت نہیں، جسے بابا کے آگے پیچھے گھومنے سے فرصت نہیں، جسے قبروں کا طواف کرنے سے فرصت نہیں، اور غیر اللہ کو پکارنے سے فرصت نہیں، غوث پاک سے فرصت نہیں، وہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بیان کرے گا؟ وہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کرے گا؟
पता ये चला, ये जितनी भी दलीलें हैं मिलाद के ऊपर, इसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम के अंदर, ये अल्लाह और इसके रसूल से आगे बढ़ने वाली बात है। अगर ऐसा होता तो किसी ना किसी ज़माने में कोई ना कोई इस चीज़ को अंजाम देता, और किसी एक मखसूस अय्याम को मुतय्यन ही क्यों किया जाता है, यानी पूरे साल में सिर्फ माह रबीउल अव्वल के दिन 12 तारीख का ही क्यों इंतखाब किया गया। अगर जिक्र मुस्तफ़ा करना है पूरे साल कीजिए, पूरे साल सीरत पर तारीख बयान कीजिए, सीरत पर बयान कीजिए, लेकिन नहीं, इनको तो जश्न मनाना है। आखिर वजह क्या है, आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, उसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये आप अलैहिस्सलाम के विसाल के कायल नहीं है, बरेलवी हजरात आपकी वफात के कायल नहीं है, यही सबसे बुनियादी वजह है। ये हमेशा यही समझते हैं बस इस महीने में सिर्फ आपकी आमद हुई है, आपका विसाल नहीं हुआ, आपकी रुख्सती नहीं हुई, बस यही समझते हैं। और ये समझते हैं कि आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारी मदद के लिए खुद आ रहे हैं। कितनी गलत बात है, तुम आप अलैहिस्सलाम को अपने दर पे बुलाते हो, दर दर के ठुकरे खिलवाते हो उनको कि आज हमारे इधर आया, कल फलां जगह जा रहे हैं, कल हम वहाँ मजलिस है, वहाँ आप अलैहिस्सलाम आएंगे। कितनी गलत बात है, कितना गलत अकीदा है। तो जिस दिन बरेलवी हजरात ये समझ लेंगे कि आपका विसाल हो चुका था माह रबीउल अव्वल के मौके पर, उस दिन ये मिलाद मनाना भी छोड़ देंगे। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम का विसाल जब हुआ तो उस वक्त सहाबे किराम की क्या कैफियत थी, आप बताएं जरा, उस वक्त सहाबे किराम की कैफियत क्या थी, क्या वो खुशी मना रहे थे आपकी तरह? आज जो ये शेर पढ़ा जाता है, सिवाय इबलीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जब आपका विसाल हुआ तब खुशी कौन मना रहा था और गमगीन कौन था, इसका फैसला करो। जब इसके ऊपर नजर डालोगे ना तो पता चलेगा खुशी इबलीस मना रहा था और गमगीन सहाबा किराम थे। सहाबा किराम गम की हालत में थे और इबलीस खुशी की हालत में था, और आज तक वो खुशी मना रहा है इबलीस। क्यों पता है? क्योंकि उसको भी इस बात का यकीन हो गया है कि आप अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया से जा चुके हैं। इबलीस के लिए आप अलैहिस्सलाम एक कांटा की हैसियत रखते थे, एक रुकावट थे, यानी उसका जो मिशन है जहन्नम में ले जाने का इबलीस का, उसके लिए एक रुकावट थे, वो रुकावट दूर हो गई। तो इबलीस उस वक्त से लेकर आज तक खुशी मनाता है। तो पता ये चला कि सिवाय उलमाए हक के सभी खुशियां मना रहे हैं, चाहे वो इबलीस हो तो चाहे वो मुशरिक हजरात हो, ये सब खुशी मना रहे हैं। आपके जाने की खुशी है ये, यानी हजरत आप अलैहिस्सलाम के विसाल की खुशियां ये लोग मना रहे हैं। हम तो यही समझते हैं भाई आप अलैहिस्सलाम के विसाल की खुशियां मना रहे हैं, हम तो नहीं मना रहे। हम क्यों मनाएंगे जब सहाबा किराम ने उस दिन गमगीन होने की जो कैफियत जाहिर की है, और सहाबा किराम जिस तरह से हालत गम में थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल ये था कि मिंबर पे वो खुतबा दे रहे हैं, लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, हजरत उमर फारूक का हाल ये था, वो तलवार लेकर जो है गली कूचों में घूम रहे हैं मारे गम के, वो तो खुश नहीं हुए, क्योंकि उनको भी पता था भाई जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए अब हमारे दरमियान नहीं आ सकते, ना हमारे दरमियान मदद के लिए आ सकते हैं, ना बातचीत करने आ सकते हैं, ना मसले का हल निकाल कर दे सकते, वो भी इस चीज़ के कायल नहीं थे। अगर कायल होते तो वो इतना गम नहीं मनाते, वो चलो वो ये समझते चलो चले गए फिर तो आएंगे। लेकिन बरेलवी हजरात ठहरे मुशरिक, उनको कहाँ इतनी समझ है, वो तो सिर्फ न्याज फातिया लड्डू चना जलेबी खीर पूड़ी तीजा चालीसवा इसी चीज़ में वो लगे हुए हैं, उनको कुरान और सुन्नत पे चलने की कहाँ फुर्सत है। तो खुलासा कलाम ये है कि मिलाद हर एतबार से मनाना, ख़ास करके मखसूस अय्याम में और दीन इस्लाम का हिस्सा समझते हुए, उसको सुन्नत समझते हुए, ये बिदअत है, शिर्क है, नाजायज़ है और बनाना दुरुस्त नहीं है, खिलाफ़ शरीयत है। तो अल्लाह ताला इन बरेलवी हजरात को, मुशरिकों को कुरान सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जो भोले भाले लोग इनके लड्डू मिठाई में फंसे हुए हैं, इनके खाने पीने में फंसे हुए हैं, उनको रंग बिरंगी खाना देखकर उनके दिल में लालच पैदा हो जाती है, इसलिए वो भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो उनको भी तौफीक दे कि वो कुरान सुन्नत की तरफ आए। फमा अलैना इल्लल बलाग।